जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे आमिर खान ने सुसु किया था। मैं इसमें थ्री इडियट स्कूल में हूँ जहाँ पे थ्री इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी, और ये वो जगह है, आप देखेंगे यहाँ पे आमिर खान ने सुसु किया था और यहाँ से वो बल्ब डाला गया था, यहाँ पे ये बल्ब बनाया। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस लद्दाख रीजन की सबसे खूबसूरत मॉनेस्ट्री जिसका नाम है तीक्ष्य मॉनेस्ट्री, और ये इस रीजन की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री भी है। ऐसा कहता है कि 1430 में इसका निर्माण हुआ था। जुले जुले मीन्स नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और मैं इस समय लेह लद्दाख की धरती पे हूँ। साथियों, मैं ठीक लेह मार्केट से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर हूँ। पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है लेह प्लेस। तो आज मेरा लेह में दूसरा दिन है। कल मैंने आपको पूरा लेह का जो बाजार है, जो मार्केट है, वो घुमाया, वो दिखाया कि कैसे लेह में बाजार है। और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ लेह के आसपास जितनी भी खूबसूरत जगह हैं, जितनी भी मॉनेस्ट्री हैं, क्योंकि ये लेह लद्दाख की धरती जानी जाती है यहाँ की मॉनेस्ट्रियों के लिए। बहुत सुंदर सुंदर मॉनेस्ट्री यहाँ पे बनी हुई हैं। और सबसे पहले लेह साइट सीन में मैं आपको लेके चल रहा हूँ 16वीं शताब्दी में बना हुआ राजा का राजमहल लेह पैलेस। सोलहवीं शताब्दी में बना था, आप सोचिए 16वीं शताब्दी में बनने के बाद ये अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा है। कितने भूकंप आए होंगे, कितने त्रासदी यहाँ पे हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो पुराने बिल्डिंग है, जो पुराने आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही स्ट्रांग था और इसीलिए आज भी खड़ा है ज्यों का त्यों। लेह प्लेस में अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है। अगर आप इंडियन हैं तो आपको 25 रुपये लगते हैं अंदर जाने के लिए, और फॉरनर का थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं 25 रुपये की 2 टिकट ले लिए मैंने और यहाँ से जा रहा हूँ अंदर। जिसमें राजमहल के मुख्य गेट पे खड़ा हूँ, जिसको कि 16वीं शताब्दी में सिंघे नामग्याल नाम के एक राजा ने बनाया था। आप देखेंगे गेट पे जूनी पर जो ट्री होता है उसका लकड़ी लगा हुआ है। और इस लेह प्लेस में जो टोटल कमरों की संख्या है वो है 135, और साथ ही साथ इसमें जो बालकोनी है वो है 21 बालकोनी, जिसको कि यहाँ पर लोकल भाषा में रफसाल कहा जाता है। तो अंदर लेके चलते हैं 135 कमरों का ये राजमहल राजा सिंघे के द्वारा बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत। अंदर जाते ही कुछ इस प्रकार से दिखता है लेह पैलेस। यहाँ पे असेंबल हॉल है और उसमें बहुत सारे पेंटिंग्स लगी हुई हैं, कुछ लिखा हुआ है दीवारों पे। ऐसा दिखता है बाहर से लेह पैलेस, राजा का महल। और यहाँ से जो लेह सिटी है वो बहुत सुंदर दिखाई देती है। पीछे आप देखेंगे पूरी लेह सिटी यहाँ से दिखाई दे रही है, इस तरफ से लेके और इस तरफ पूरा आप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको लेके चल रहे हैं लद्दाख कक्ष में, जहाँ पे कि बहुत सारी गैलरी, फोटो और कुछ दीवारों पे इतिहास लिखा हुआ है। तो ये रहा गैलरी रूम, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पहाड़ियों के पिक्चर, राजमहल के पिक्चर और इस लेह सिटी का इतिहास लिखा हुआ है कि कैसे कैसे यहाँ पे घटनाक्रम हुए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ 8वें फ्लोर में, अभी तक मैं 7वें फ्लोर में था। इस प्रकार लकड़ी की सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाई गई है, और आप देखेंगे ऊपर जो छत है बहुत ही शानदार है। आप जितने ऊपर जाएंगे उतना यहाँ से प्यारा और सुंदर व्यू दिखाई देता है। तो इस समय मैं 8वें फ्लोर पे हूँ और 8वें फ्लोर जो है इस प्रकार से दिखाई देता है। आप देखेंगे ये है 8वां फ्लोर, लंबी चौड़ी छत है, और इसके ऊपर एक और फ्लोर है वो है 9th फ्लोर। तो वहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ है नहीं, और यहाँ पर जो कमरे हैं वो भी बंद हैं। तो यहाँ से लेह का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और पीछे की तरफ जो सिटी है लेह की वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अब तो लेह में बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बन चुकी हैं, और यहाँ से सामने दिखाई देता है शांति स्तूप। ये आप देखेंगे ये है शांति स्तूप। लेह प्लेस में विजिट करने के बाद अब हम जा रहे हैं हेमिस मॉनेस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस मॉनेस्ट्री है यहाँ की। तो गाड़ी हमारी रेडी है। इस समय हम लोग जो हैं लेह मनाली हाईवे पे हैं, यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है हेमिस मॉनेस्ट्री। और तो अभी मैं लेह मनाली हाईवे पे हूँ, और यहाँ से एक राइट हैंड पे रोड जाती है, ये जाती है हेमिस मॉनेस्ट्री। लगभग यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर है, और सामने वाला जो रोड है ये जाता है मनाली। तो ये मनाली जाता है और ये जाता है लेह, और ये वाला जाता है हेमिस मॉनेस्ट्री। तो हम लोग इस पर जाएंगे हेमिस मॉनेस्ट्री के लिए। तो अभी हम लोग हेमिस मॉनेस्ट्री के रास्ते में हैं, और यहाँ पे ये सिंधु नदी आप देख रहे हैं, इसको पार करने के लिए यहाँ पे पुल है।
और बहुत ही खूबसूरत सिंधु नदी लेके किनारे किनारे से गुजरती हुई। तो भाई अभी हम लोग पहुंचे हैं हेमिस मॉनेस्ट्री में, जो इस रीजन की सबसे फेमस मॉनेस्ट्री है। और ये मॉनेस्ट्री भी 16वीं शताब्दी में बनी है। अगेन वो सिंगे जो राजा थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया ऐसा कहते हैं, बाकी यहाँ के लोगों से पूछेंगे। और काफ़ी खूबसूरत है, आप देखेंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर मॉनेस्ट्री में। मैम, मॉनेस्ट्री में जाने के लिए आपको पास लेने पड़ते हैं जो कि 50 रुपये का है। 2 टिकट मैंने ले लिए हैं। तो भाई यहाँ से हम लोग अंदर अब एकदम प्रवेश हो चुके हैं मुख्य गेट से। और तो अभी मैं पहुँचा हूँ हेमिस मॉनेस्ट्री के प्रांगण में, और यहाँ पे जो मॉनेस्ट्री है वो शायद किसी दूसरे रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देखेंगे बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है, बहुत अच्छे से इसमें लकड़ी पत्थर मिट्टी का कार्य किया गया है। और यहाँ पे जो मुख्य रूप से इस मॉनेस्ट्री में जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मूर्ति, कॉपर और अन्य धातुओं से बनी हुई बहुत ही चमचमाती मूर्ति अंदर रखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, हेमिस म्यूज़ियम। और सबसे पहले आप देखेंगे प्रांगण में 3 बड़े बड़े यहाँ पे जिनको हम कह सकते हैं फ्लैग लगे हुए हैं। इसमें ऊपर कुछ ये लगाया हुआ है, इसको क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं। जो फोटोग्राफी है वो अलाउड नहीं है, तो बाहर से आपको हम दिखा सकते हैं, बाकी अगर आपको देखना है तो आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा। और अंदर जो बुद्धा की मूर्ति है वो बहुत ही एकदम चमचमाती स्वर्णिम, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सोने से बनी हुई मूर्ति है। तो भाई ये मॉनेस्ट्री देखने के बाद हम जा रहे हैं अब तीक्षे मॉनेस्ट्री, जो ऑन द वे पड़ेगा हाईवे पे ही, थोड़ा सा ऊपर जाना है हाईवे से। तो बहुत सुंदर है हेमिस मॉनेस्ट्री, और अब हम जा रहे हैं तीक्षे मॉनेस्ट्री। यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर ऐसे कुछ होगा। साथियों, हेमिस मॉनेस्ट्री में घुमाने के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस लद्दाख रीजन की सबसे खूबसूरत मॉनेस्ट्री, जिसका नाम है तीक्षे मॉनेस्ट्री। और ये इस रीजन की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री भी है, ऐसा कहता है कि 1430 में इसका निर्माण हुआ था। और सबसे खूबसूरत, सबसे कलरफुल, सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर का काम अगर कहीं हुआ तो इस मॉनेस्ट्री में हुआ है। और इस मॉनेस्ट्री के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस खूबसूरत मॉनेस्ट्री में। तो यहाँ पे दोबारा से मॉनेस्ट्री में हमने ले ली है पास, 50 रुपये का एक पास मिलता है। और पास लेने के बाद हम लोग चल रहे हैं आगे। तो साथियों, ये है मॉनेस्ट्री, आप देखेंगे बहुत ही कलरफुल और बहुत ही डिजाइनदार मॉनेस्ट्री, और बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है ये। आप देखेंगे इस तरफ भी पूरा यहाँ से लेके पीछे, और इस तरफ भी देखेंगे आप तो काफ़ी बड़ी है इसमें काफ़ी। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर, पहले यहाँ ये कुछ लगता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल। तीक्षे मॉनेस्ट्री में विजिट करने के बाद अब हम जा रहे हैं वहां पे जहां पे कि 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। वो याद अभी मैं आए हूँ उस स्कूल में जहाँ पे 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी, और स्कूल पे लिखा हुआ है रणछोदा स्कूल। और ये इसका एंट्रेंस गेट है, यहाँ से मैं आपको अंदर लेके चलूँगा। यहाँ से जाएंगे हम अंदर। इस स्कूल का ओरिजिनल नाम जो है ध्रुव पद्मा है, लेकिन 3 इडियट मूवी की जब यहाँ पे शूटिंग हुई थी उसके बाद इसको ज़्यादातर लोग 3 इडियट और रणछोदा स्कूल के नाम से जानते हैं। ओनली फॉर विजिटर्स, स्टूडेंट अभी भी इसको ध्रुव पद्मा बोलते हैं। और साथियों, इस समय मैं स्कूल में हूँ, तो स्कूल की वो कैंटीन है जहाँ पे ये लोग शूटिंग करते थे, ये एरिया है जहाँ पे वो शूटिंग होती थी। और साथियों, मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे आमिर खान ने सुसु किया था। मैं इस समय 3 इडियट स्कूल में हूँ जहाँ पे 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। और ये वो जगह है, आप देखेंगे यहाँ पे आमिर खान ने सुसु किया था, और यहाँ से
वो बल्ब डाला गया था यहाँ पे, ये बल्ब बनाया गया है, शूटिंग में लाए गए थे तब से ये यहाँ पे है। और वो जो गाना गाते थे ना, ओट घुमा सिटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, ये स्कूल है जहाँ पे वो मूवी का शूट हुआ था, इसमें वो क्लासेस चलती थी। ये पूरा स्कूल आप देखते कितना सुंदर बेहतरीन स्कूल है, और यही स्कूल है जो मूवी में शूट हुआ है, और इसका बाहर का एरिया आपने देख ही लिया है। ये देखिए आप, जहाँ पे 3 डेड की मूवी हुई थी उस स्कूल में जाने के बाद हम आए हैं सेफ प्लेस में। तो ये राजमहल होता था कभी, आप पीछे देख रहे हैं ये पूरा सेफ प्लेस है, यहाँ पे भी आपको घुमाते हैं। तो भाई ये है सेफ प्लेस, तो अब मैं आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अगेन आप देखेंगे एकदम पत्थर और मिट्टी से बना हुआ। जाने के लिए यहाँ पे ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, और इनको चढ़ के आप जाते हैं ऊपर। तो ये है भाई सेफ प्लेस, निमगिम नामग्याल ने इसको बनाया था 17th century में, और आप देखेंगे 17th century से ये राजमहल अभी तक खड़ा है। आप इसके अंदर जा सकते हैं, और सामने जो है इनके एक संत हैं उसका स्टेचू बनाया गया है, और सामने का जो स्टेचू है वो इस प्रकार से दिखाई देता है अभी। तो साथियों, ये है सिंधु नदी का घाट। सेफ प्लेस में घूमने के बाद अभी मैं आया हूँ सिंधु घाट पर। तो ये सिंधु घाट आप पीछे देख रहे हैं, ये इंडस। अभी शाम के लगभग 6:30 हो रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ पे है, अच्छी खासी हवा चल रही है, और बड़ी शांति यहाँ पे मिलती है। सिंधु घाट में घूमने के बाद हम जा रहे हैं शांति स्तूप। हालांकि हमें वहाँ पे सनसेट के लिए पहुँचना था, लेकिन सन तो अभी सेट हो चुका है, लेकिन इवनिंग का टाइम भी वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है शांति स्तूप, 8 किलोमीटर तो लेह सिटी है, और वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर आप जाते हैं शांति स्तूप में। शांति स्तूप पे घूमना हमेशा शाम के टाइम सबसे अच्छा रहता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं शांति स्तूप में यहाँ से। तो साथियों, ये है लेह का शांति स्तूप, और सिंधु घाट से आने के बाद मैं पहुँचा हूँ शांति स्तूप पे। इसमें भी 3 फ्लोर हैं, और ऊपर गुंबद बना हुआ है, अंदर बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। आपको लेके चलता हूँ अंदर शांति स्तूप में। तो पहले फ्लोर पे हूँ इसमें मैं शांति स्तूप के, और यहाँ से अब हम जाएंगे दूसरे फ्लोर की ओर। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों की मदद से हम दूसरे फ्लोर की ओर जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का एक चित्र, और ऊपर गुंबद बनाया गया है। दूसरे फ्लोर पे हैं इसमें आप देखेंगे शांति स्तूप की दीवारों पर इस प्रकार के चित्र एकदम उकेरे गए हैं, और पूरा ही दीवार जो है एकदम कलरफुल है। तो दोस्तों, आज हमने लेह भ्रमण किया है। आसपास में जितने भी खूबसूरत जगह थी, मोनेस्ट्री हो गया, चाहे वो सेफ प्लेस हो गया, या शांति स्तूप, या सिंधु घाट, जितने भी आसपास में खूबसूरत जगह थी वो आपको दिखाई, और कल आपको किसी दूसरी खूबसूरत जगह पे लेके चलेंगे, नुब्रा वैली की ओर लेके चलेंगे। तब तक आप देखते रहिएगा शैलेंद्र हिल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो लेह लद्दाख आना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।